तो लीवर कमजोर हो जाता है, लीवर कमजोर के साथ फिर हार्ट में दिक्कत आती है। फेस इसका है, सिसमी ऑयल का है, मस्टर्ड ऑयल का है। ऐसा लगा कि अब मैंने पूरे साल के लिए ना ऋषिकेश से खूब सारे, आज आपका भी ऋषिकेश से जा रहे हो तो यहाँ पे आके जरूर चाय का आनंद लीजिएगा। और इस ब्लेसिंग तो आज मतलब रिश्ता लगाने में अच्छा लग रहा है। बहुत ही कड़ा और ये है दीदी का नाम डॉक्टर, हर किसी के दुख दूर हो जाते हैं। एंड हेलो हाय शमनी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है और ये है साल का पहला। और ऋषिकेश मुझे क्यों पसंद है ये सब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। चले करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, हेलो हाय शमनी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी बोलो गुड मॉर्निंग और शमनी जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि लास्ट व्लॉग में अनबॉक्सिंग वाला व्लॉग आप लोगों ने देख लिया था। उसके बाद ये है मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एक्चुअली ये व्लॉग मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था बट उस समय मेरे पास डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरा, तो मेरा पूरा डेटा जो था ये इस व्लॉग का वो डिलीट हो गया था। तो इसलिए फाइनली बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोगों को नॉर्मल कैसे बोलूँ, मैं नॉर्मल बोलूँगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। अगर मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं सोच रही थी बहुत दिनों से कि मैं यहाँ जाऊँ, आना मज़ा नहीं आना। अगर मैं ऐसे बोलूँगी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह पर ले जाऊँ, ऐसी जगह घुमाऊँ, तो बताओ किसमें मज़ा आया? एक्साइटमेंट वाली आवाज़ में आया ना, आया ना? टेल मी बात है। इसीलिए अब मैं स्लोली बोलूंगी तो फिर सुनने वाले को कुछ मजा ही नहीं आएगा। एंड क्या बोलूं दोस्तों, उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया फिर से, हमेशा ऐसे करते हैं मेरे साथ, मुझे बोलते बोलते टोकते हैं। अब मैं कितनी सारी बातें बोलने वाली थी आप लोगों के साथ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऋषिकेश का कोहरा वाला नज़ारा। कल से क्या रोज ही, आजकल कोहरा तो रोज ही लगा है बट अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट प्रिडिक्शन थी कि आज और कल बारिश होगी बट जो अभी तक आई नहीं है बारिश, मे बी आज आ जाए, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। सो लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू ऑल, ही इज माई हस्बैंड, आई एम हिज वाइफ एंड वी आर गोइंग टू ऋषिकेश। एंड आप लोग ने मेरे कोचिंग वाले ब्लॉग्स भी देखते हो ना आप लोग, एक्चुअली भी लर्निंग पीरियड है तो कुछ गलतियाँ हो जाएंगी मुझे पता है, कुछ क्या बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो इग्नोर इट एंड करेक्ट इट, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। ऑब्वियसली बात है, ट्राई तो करना ही पड़ता है हमेशा हर चीज। बिना कहाँ जाना, कहाँ से हो, कोई नहीं सीख सकता, वो जाना कहाँ से था। तो दोस्तों एक्चुअली ना न्यू ईयर से प्लान कर रही थी ऋषिकेश आने का, मतलब एक तारीख से समझो, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी थी आजकल इनकी एंड अब छुट्टियाँ ख़त्म होने को है। एंड एक तरह से प्लान कर रहे थे बट वही ना, रोज़ कोचिंग भी था फिर और काम भी हो रहे थे, तो सोचा कि फिर पहले से हम निपटा लेते हैं ऋषिकेश, हम लास्ट में करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा डिसाइड हुआ है कि हम लोग जाएंगे चीला रेंज से होते हुए, हमारा दीदी का फिजियोथेरेपी सेंटर है, ये है आपका लक्ष्मण जो पुलिस स्टेशन, लक्ष्मण चौक, लक्ष्मणपुर पुलिस स्टेशन उस चौकी के पीछे है, तो हमें एग्जैक्टली वहाँ पे जाना है। तो आप लोग को मैं पूरा रूट दिखाऊंगी, आप लोग प्लीज़ इस रूट को अच्छे से देख लीजिएगा आज, क्योंकि जब आप लोग आओगे देन ऐसा होगा कि आप लोग रास्ता भटक जाओगे, तो इसलिए आप अच्छे से रूट को याद रखते हुए आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो दीदी के यहाँ जाने के लिए तीन रास्ते हैं, एक तो आप बद्रीनाथ हाईवे से भी डायरेक्ट आ सकते हो, जो नीलकंठ के लिए रोड करते हैं उस रूट के थ्रू, मतलब अपर साइड ऑफ ऋषिकेश जो पौड़ी गढ़वाल के लिए भी जाती है तो उस रूट के थ्रू आ सकते हो आप। दूसरा आप डायरेक्ट देहरादून से आ रहे हो तो आप लोग त्रिवेणी घाट रामपुल लक्ष्मण पुल के वहाँ पर उतर के बोटिंग ले के पल्ली पार जाके आप लोग उस पैदल रास्ते मार्केट से होते हुए आप जा सकते हो।
एंड तीसरा ये जो मैं जा रही हूँ चीरा रेल, जहाँ से हम डायरेक्ट कार लेके जा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण पुल से आप लोग को बाय वॉक जाना पड़ेगा, या फिर आप लोग वहाँ से वो जो बोटिंग के थ्रू पुल पार करके उसके बाद आप लोग को मार्केट के थ्रू बाय वॉक होते हुए आप दीदी के यहाँ पहुँच सकते हो। एंड इस एड्रेस को लेके बहुतों को कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अच्छे से रास्ता क्लियर कर सकूँ। फिर भी अगर आप लोगों को डाउट हो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मतलब एग्जैक्ट लोकेशन मैं वहाँ पर भी डाल दूंगी। एंड गूगल मैप तो है ही हमारे पास, गूगल मैप में भी आप डाल सकते हो, बट एज ऑलवेज गूगल मैप हमको हमेशा कन्फ्यूज कर देता है। वैसे इसीलिए एक प्रैक्टिकल आप लोग इस वीडियो के थ्रू देख लीजिएगा कि कहाँ पे जाना है, कहाँ से हमें रूट चेंज करना है। एंड अगर एक्चुअली ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम पैदल चलने के लिए इतनी पावर नहीं होती है और हम बीमार होते हैं, तो आप लोग उस टाइम पे कार से डायरेक्ट दीदी के यहाँ पहुँच सकते हो। एंड उसके लिए आपको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा, और दूसरा रूट आपको ये बैद्यनाथ हाईवे से वही वाला रूट आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ चीला रेंज, और वहाँ से आपको टोल टैक्स देंगे। ये जो चीला रेंज का पुल है एम्स हॉस्पिटल जो ऋषिकेश का, इसी रूट पे आना है आप लोगों को। एंड एम्स से जो है आपका रूट कट जाएगा, एंड वहाँ से आप लोग को चीला रेंज स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो ये एम्स के ठीक सामने से आपने यहाँ से टर्न लेना है, एंड ये हमारा स्टार्ट हो गया है चीला रेंज डैम। हरिद्वार के लिए जाती है, और ये हमने टर्न किया, और यहाँ से आप सीधे जाएंगे ऋषिकेश पल्ली पार। और ये देखिए डैम, और यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा आपको चीला रेंज का। तो आज इन्होंने यहाँ पे हमसे टैक्स नहीं लिया, शायद मे बी लोकल की वजह से, क्योंकि कभी कभी ये लोग 50 रुपए लेते हैं टैक्स। ये रूट बहुत सुंदर है क्योंकि पूरा जंगलों से होते हुए हम ऋषिकेश पहुंचते हैं इस रूट के थ्रू, तो इसलिए मुझे ये रूट भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा लंबा जरूर आपको ये रूट पड़ेगा, एंड थोड़ा सा पतला भी है, मतलब ऐसी कोई चौड़ी रोड नहीं है ये, तो जैसे होते हैं पहाड़ी रास्ते, प्रॉपर पहाड़ी रास्ता है। तो आप लोग को रूट दिखाती हूँ, एंड ये जो पूरा एरिया पूरा पहाड़ है, ये आता है राजाजी नेशनल पार्क के अंदर, एंड उसी का हिस्सा है ये। और आपको यहाँ जानवर भी दिख सकते हैं, हमें पता नहीं देखेगा नहीं देखा। एंड कुछ इस तरह का रास्ता है ये वाला, दोस्तों यहाँ का हॉटस्पॉट है, यहाँ पे आके हम जरूर फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि मुझे ये लोकेशन बहुत सुंदर लगती है। ऐसे पीछे से ऐसे ये गुज्जर वाला एरिया है, यहाँ पे पीछे यहाँ पे ऐसे झोपड़ियाँ हैं, गाय है, ये तो सुंदर सा इलाका है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और ये देख लीजिए घना जंगल विद। हेलो हाय शमनी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है, और ये है साल का पहला ट्रिप, ये है साल की पहली ट्रिप जिसमें हम जा रहे हैं ऋषिकेश। इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं ऋषिकेश, एंड आप लोग घुमाते हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश मुझे क्यों पसंद है ये सब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। चलिए करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए पहाड़ी महिलाएं, मेहनती महिलाएं हैं भी ये, हमें इस ठंड में ठंडा लग रहा है, और ये देखो इस ठंड में कैसे लकड़ी लेके जा रही हैं। इसीलिए कहते हैं पहाड़ के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। रास्ता है, एंड अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वो कौन है, और हम आज वहाँ पे क्या करने वाले हैं।
आप लोग देख ही रहे हो आजकल सभी को कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी हाथों में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी बैक पेन, कभी लोअर बैक पेन, पैरों का दर्द। तो मतलब ये जो दर्द है बहुत कॉमन हो चुका है और हर घर में या तो बुजुर्गों को होगा या फिर लेडीज को, तो ये परेशानियां रहती ही रहती। तो उसी के केयर के लिए, क्योर के लिए समझो, तो जहाँ मैं जा रही हूँ वो एक फिजियोथेरेपी सेंटर है ऋषिकेश में, जो कि मेरी नज़र में सबसे बेस्ट थेरेपी सेंटर है, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली खुद अब ट्राई किया है अपने ऊपर, तो इसलिए मुझे वहाँ से बहुत फ़ायदा भी हुआ है अपनी लाइफ में। एंड ऋषिकेश तो ऑल टाइम हाई फेवरेट जगह, ऋषिकेश आके मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के दुख दूर हो जाते हैं। एंड बहुत ही पॉजिटिव लोकेशन है ये। एंड मेरे हस्बैंड भी हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हो फिर मेरे पे? और अगर पेन ना भी हो तो आजकल की जो पेन हम खुद से जनरेट कर लेते हैं वो है मोबाइल एंड गैजेट्स में जो हम डूबे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्वाइकल पेन होता है गर्दन के नीचे, मतलब बैक कम गर्दन पे, मतलब जो सर्वाइकल पेन मतलब इस साइड जो होता है हमारे हेड के नीचे, एंड जो कि आजकल के बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, क्योंकि दिन भर हमारी मुंडी जो है ना वो ऐसी रहती है मोबाइल में, एंड उस वजह से जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही पोजीशन में अगर हम कांस्टेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली उसमें पेन करना ही है। और ना ही हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी जैसे कि स्ट्रेचिंग वगैरह हम लोग की लाइफ में बहुत कम हो गया है, तो उन चीज़ों को भी आप लोग नए साल में यही एडवाइस दूंगी कि अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए थोड़ा सा अलर्ट ही रहिए एंड स्ट्रेचिंग और मिनिमम 10 मिनट अपनी बॉडी को स्ट्रेच जरूर कीजिए दिन में, चाहे वो हाथों की एक्सरसाइज हो, चाहे वो पैरों की हो, या फिर गर्दन की ऐसे घुमाने वाली एक्सरसाइज हो जो हमें सुबह उठते ही करना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं वो घर बैठे बैठे अपनी बॉडी को मूव तो कर ही सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में आजकल। एंड हाँ, जिनका जब ये पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग बिल्कुल बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते और कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें सर्जरी करने के लिए बोल देगा, क्योंकि सर्जरी के अलावा वो कहेगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो सर्जरी देगा और बहुत सारी दवाइयाँ भी देंगे आपको, है ना। उसी के बीच में ये एक अलग ऑप्शन है कि आप थेरेपी ले सकते हो, एंड थेरेपी फिजियोथेरेपी जो मैं बात कर रही हूँ वो यहाँ पर ऋषिकेश में है, जो एक दीदी है हमारी वो करती है थेरेपी। ये सोच रहे होंगे कि थेरेपी सेंटर तो बहुत है तो हम ऋषिकेश ही क्यों आते हैं, द प्लस पॉइंट इज जो कि दीदी की यहाँ पे जो थेरेपी करने के बाद जो आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है ना, क्योंकि वो मैनुअली मतलब उनके हाथों में कुछ जादू है, तो मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगी कि वो आज कैसे करती है थेरेपी अपने पेशेंट की। एंड ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि आप लोग को अगर कोई भी परेशानी हो आप लोग की वो परेशानी चुटकियों में दूर हो जाए। एंड लास्ट ईयर जिसने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा अगर आप लोगों ने, तो उसमें मैंने बताया भी है कि मेरा पैरों में दर्द था एंड मैं नहीं चल पा रही थी, तो बहुत चीज़ें हैं। तो मैं अब आप लोगों के सामने एक दूसरी अनुषा परमार 2.0 खड़ी हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेन के थ्रू मैं भी गई अपने लाइफ में एंड मुझे लगा कि यहाँ पे आने के बाद मेरे बहुत सी परेशानियाँ दूर हो गई, चाहे वो मेंटल पीस हो, चाहे वो फिजिकल बॉडी पेन हो, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो उसे। तो ये इस जगह पे आके और इस जगह पे 2-3 महीने रहने के बाद मुझे अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज नज़र आया, जो जिसके लिए मैं हमेशा ऋषिकेश के लिए थैंकफुल हूँ, अपने भोले बाबा के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि नीलकंठ महादेव हमारे ऋषिकेश में है और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स है इस प्लेस में। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जो मेरी ऋषिकेश वाली काली माता है, जो हमेशा जिन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया है, उन्होंने बहुत ही पावरफुल माता है यहाँ की, एंड उन्होंने मेरा मुझ पे अपनी बहुत ही छत्र छाया बनाए रखी। और बस आज मैं यही मांगूंगी उन सबसे कि आगे भी मुझ पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना और अपना प्यार, और भोले बाबा तो है ही हमारे साथ, बच्चों को, प्यारे बच्चों को जो भी मेरा ये चैनल देखते हैं और जो भी मुझे हेलो हाई शमनी बोलते हैं, उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि मोबाइल कम से कम देखिए दोस्त, देखिए बच्चों, क्यों। तो ये है यहाँ पे दो रास्ते, देखिए ये नीलकंठ जाने का रास्ता है और ये नीचे लक्ष्मण झूला जाने का रास्ता है, आपका जानकी सेतु, रामपुर, लक्ष्मण झूला सब इस रूट पर पड़े। यहाँ से हमने 50 रुपये की एंट्री कर ली है। ये परमार निकेतन का रास्ता, ये गीता भवन, और फाइनली हम लोग अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये है रूट, ये जाता है आपका जानकी पुल के लिए।
ये आपका मंदिर, एंड मंदिर के बगल में ही है आपको लक्ष्मण झूला पुल चौकी। इस गेट से पहले पहले ही टर्न ले लेना है। तो ये आपको, ये पूरा आपको यहाँ पे, ये जो होटल है इसी सामने होटल है, आप यहाँ रह सकते हो। एंड ये आपका पूरा पुलिस वाला एरिया है। तो बेसिकली हमें, ओ ये भैया हमारे होटल वाले भैया थे, और ये यहाँ पे होटल है, यहाँ भी आप रह सकते हो। एंड ये है दीदी के घर जाने का रास्ता। रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, बट उनके दरवाजे तक कार चली जाएगी। और ये है दीदी का नाम, डॉक्टर पुष्पा बड़वाल। ये है फ़ोन नंबर, ये है टाइमिंग। आपको कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पूछ सकते हो। श्री कुंज न्यूरोपैथी एंड आयुर्वेदिक क्लिनिक, आयुर्वेदिक एक्चुअली डॉक्टर कंचन त्रिजार का एंड दीदी की थेरेपी सेंटर है। एंड ये रहा, कुछ भी डिटेल चाहिए होगी तो आप इस यहाँ से निकाल सकते हो। फ़ोन नंबर भी है, नोट कर सकते हो। दोस्तों ये है दीदी का थेरेपी सेंटर, एक्चुअली उनके घर में ही है थेरेपी सेंटर भी। एंड अभी दीदी आने वाली है, वो कहीं जा रखी है। एंड मौसम बहुत ठंडा हो रखा है आज, ये देखो। एंड ये है दीदी का ऑफिस, ये है दीदी का थेरेपी सेंटर। चलो दोस्तों, तो हम दीदी के यहाँ पहुँच गए। दीदी अभी थोड़ा कहीं जा रखी है। एंड यहाँ पे मुझे कोई मिले दीदी के यहाँ पे, हेलो हाय। एक्चुअली जो आपने बाहर बोर्ड पे नाम पढ़ा, डॉक्टर कंचन तड़ियाल, उनका भाई ना, उनके भाई है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये भी एक ब्लॉगर है, द आरजे व्लॉग। आप लोग भी जरूर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग भी जरूर जाके देखिएगा, इनके चैनल को चेक कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। एंड अभी हम लोग दीदी का वेट कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि थेरेपी कैसे होती है हमारी, ठीक है। एंड तब तक आप लोग ये भजन सुनिए दीदी का। फीडबैक नोटबुक, हाँ ये भी सही है, आपने आप सही रख दो। आज फीडबैक व्लॉग बनाऊंगी अपने, नहीं होगा तो गूगल में कर देना। इनकी राइटिंग भी समझ नहीं आ रही, ये सारे जो ये लेके आई ना, हाँ? वो इजराइल की थी, उसमें लिखा था है। थैंक यू डॉक्टर पुष्पा फॉर क्लियरिंग माय नेगेटिव सेल्फ इमेज, रियली। हाँ सच में इजराइल लैंग्वेज में, कहिए कौन सी लैंग्वेज है, जिसका जो जो लैंग्वेज है ना वो अपने अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं मेरे लिए, ये उन लोगों के लिए जो निराश हो जाते हैं, उन्हें वो पढ़ के थोड़ा पॉजिटिविटी जला अपने अंदर बुला सकते हैं, उम्मीद की किरण जगा सकते हैं। ह्यूज ब्लेसिंग, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, हाँ बोले, वाओ। तो ये देख लीजिए दोस्तों दीदी के यहाँ पे कैसे कैसे रिव्यूज डाले लोगों ने, तो जस्ट अमेजिंग। चल कोई नहीं, अभी वो भी बिजी हो गए, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, ठीक है। हीना अरोड़ा, ग्रेशियस अभी हॉल हमारी पहले हॉलीवुड में काम करती थी, वो थी वो ये जो फिल्म बनाने के बाद वो एडिटिंग पता नहीं क्या करते ना, हाँ। हॉलीवुड के बाद अभी ये बॉलीवुड में काम कर रही है। ओके, अंदर इसे एक दफा ज्यादा लिखा हुआ है, है? एक कुछ कुछ लोग तो छक लिखते हैं जो शुरू से लास्ट तक। तो दोस्तों आज हम भी इसमें लिख के जाएंगे कुछ यहाँ पे नेक्स्ट, तो कि जो तुम्हारा देखे लोग भी हो बोले, और अपनी बाकी तो। और ये हमारी डॉक्टर पुष्पा दीदी, पिछले साल नहीं बनाया था मैंने व्लॉग, वो मेरा डिलीट हो गया था पूरा, इस बार फिर बनाऊंगी। और ये दीदी आपके लिए हम कुछ लाए थे, ये तो खैर मेरे लिए है, और एक स्पेशल चीज़ मैं आपके लाई थी जब मैंने पूना से, देखते ही मुझे आपकी याद आई थी इसको, जब मैं पूना गई थी, पता कब गई थी, जून में, तब से मैंने सोचा दीदी के लिए ये ले जाऊंगा, मुझे मिल आने का टाइम ही नहीं हो पाया।
हाँ मुझे इसको देखते मतलब एकदम से दीदी के लिए ले चुकी जाती मतलब एक ऐसा हुआ कि हाँ मैंने देखा है करके इसलिए सुनो सो गए क्या आप तेरे टीचर भी है ना हाँ तो ये वाला ए जैसे दर्द शुरू होता है अक्सर सबका यहीं से यहाँ पे आएगा यहीं से नेक ब्लॉक होती फिर ये जब प्रॉब्लम हो जाएगा फिर सर्वाइकल मिलकर डर रहता है हाँ मैं पंखा भी चला दी बहन ओहो मैंने कहा ये क्या आवाज आ रही पेशेंट के संग अत्याचार हो गया ठंडा और ऊपर से पंखा वाला ठंडा भी मिल रहा है और छेड़ोगे मोबाइल बोलो बोलो छेड़ोगे मोबाइल और फोटो में जैसे बीच में पहले के फोटो जब देखती थी मैंने दोनों का इसके फेस पे थोड़ा थोड़ा लगता था वो कोलेस्ट्रॉल वाला ना हाँ। अभी कुछ दिन से फोटो जो देख रही हूँ उसमें बिल्कुल फेस क्लियर है अब तो काफी पतला हर साल कोशिश करना एक बार लेना ठीक है हाँ। कोबरा करो ये हमारे पेशेंट देखो हाथ ऐसे रखो तो साथ में उधर रखो आपको गर्दन ऊपर करो पूरा ऊपर कैसा है कट जाएगा कैसा है अच्छा ठीक है छोड़ोगे मोबाइल अब सीधे बैठो डालो अब पेशेंट तो आप ही तो हो हमारे आज के दिखाने के पेशेंट भी तो दिखाना पड़ेगा वीडियो में कैसे उपचार दिया जाता है कैसे थेरेपी दी जाती है ऐसे मार दो ना बच्चों को अपने गांव में आप स्कूल में बच्चों को ऐसे मार दो ना और ये है रामबाण इलाज जिसका भी कमर दर्द होता है इसको लगा दे करो कमर के पे और इंस्टेंट आराम मिल जाता है उससे हाँ जब मैं सही में जैसे मुझे ना घर में कभी खड़े खड़े ज्यादा हो गया काम लोड हो गया तो मैं इसको लगा के फिर 15 मिनट इसके ऊपर लेट जाओ ऐसे करके ठीक सेंटर पर रख के ये पोजीशन होनी चाहिए बस आराम मिल जाता है अब मैं भी इसमें लेट जाती हूँ तो दोस्तों अभी मैं भी हूँ इसी पोजीशन में एंड हाँ यहाँ पे पेन को भगाने के लिए पेन ही दिया जाता है थोड़ा सा पेन होता है बट वो फिर लॉन्ग लास्टिंग आराम रहता है हमें तो थोड़ा सा पेन सहन करना पड़ेगा और फिर हमें इसलिए साल में 2 बार तो जरूर सर्विसिंग करा लिया करो अपनी बॉडी की भी वो हमेशा बोलते मत डालो पर आप पेशेंट में अपने को नहीं दिखा सकते ना आपको दिखा सकते मैं ऐसे डालना है ये नहीं वाला नहीं दीदी जोर वाला झटका देना है नहीं 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 की दीदी आज के देखा बॉडी को सर्विसिंग कितनी जरूरत है कैसा लगा सर आपको थेरेपी आपको महसूस हो रहा अब आप हिप हॉप डांस सिखा सकते हो हमको आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है सर अब आप हमें मून वॉक दिखा सकते हो गर्दन मोटा जो था पहले काफी ठीक है ना हाँ काफी हो गई थी और पहले शुरू थी ना ये तो बहुत बस गई थी ना इस बार तुम बहुत अच्छा रहा गुड वर्क गुड बॉडी वर्क अब हम यहाँ पे लेते हैं मल्टीविटामिन कैप्सूल्स लाइव हेल्थ B12 और ये सासू माँ के लिए है ऑर्थो एड बुढ़ापे में कम हाथ पैर दर्द ना हो सर विटामिन किस लिए बोला था आपने सब कुछ मल्टीविटामिन है ना उसमें तुम्हारा ये कोई भी खा सकता है और ये तुम्हें जिस दिन वो जब खिंचाव वाली सब चीज थकान उस दिन तो हैं हाँ कभी कभी होता है जब मेरे पर स्ट्रेस ज़्यादा होता ना मुझे काम का तो कुछ नहीं सीधा उसको ले लेना था ये लीवर हेल्थ खाली पेट एंड कार्डियो कोलेस्ट्रॉल इस सब खाने के बाद और इससे इनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया था काफ़ी कंट्रोल क्योर हो गया था अंदर से खून को साफ करते हैं हाँ मतलब ये वैसे भी खा सकते हैं अब ज़रूरी नहीं है अपने ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए थोड़ा स्वास्थ्य के सतर्कता के बारे में ताकि हमारे वो लोग थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर सतर्क रहे अरे भाई सबसे पहले तो ये तो ध्यान तो रखना ही चाहिए ना ये जो मांस मूस खाते हैं ना वो तो गड़बड़ है दारू पीना छोड़ना पड़ेगा
क्योंकि मैंने कुछ सालों से देख रहे कि हमारे यहाँ जवान लोग ज़्यादा जा रहे हैं। तो रीज़न क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और उस कोलेस्ट्रॉल में क्या, दो अटेम्प्ट तो ये होता है कि हमें पता चल जाता है, हल्का हल्का दर्द होता है, तीसरे अटेम्प्ट में तो वो लेके ही चला जाता है ना। तो लीवर कमज़ोर हो जाता है, लीवर कमज़ोर के साथ फिर हार्ट में दिक्कत आती है, हार्ट के साथ किडनी में प्रॉब्लम आती है। ध्यान तो देते नहीं है, कंटिन्यू मांस खाना होता है, दारू पीना होता है। और जब वो दारू पिए में अटैक आएगा तो हम किसी को बता नहीं सकते। बेटर है ना कि पहले से ध्यान दिया जाए। फल फ्रूट तो खाते नहीं है भाई, वो कमी देखा फल फ्रूट खाते हैं। खाना ठीक है, खाना अच्छा है, पर फल फ्रूट भी खाना ज़रूरी है। सबसे पहले अदरक का सेवन ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक लगभग जो भी मेरे पास आए सब लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल क्योंकि हमारा खान पान वैसा हो गया ना, मतलब घी की जा ये सब चीज़ें, तो इससे खान पान बहुत बढ़ जा, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गंदगी ज़्यादा। और जिस हिसाब से हमारे जो पहले के लोग थे काम में थे ना, वर्किंग में, अब वर्किंग कम हो गया, सुविधाएं ज़्यादा हो गई, पर खाना वैसे ही है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और गत्ती पाकी वाले पेगरी बहुत ढीला बांधते हैं, इसलिए सबको कमर दर्द, कमर दर्द के बाद घुटना दर्द हो रहा है। हाँ, जब मैं गई थी सबका गति चेक करी था, पहले सबका था ढीला, सब कंप्लेन कर रहे थे घुटना दर्द हो रहा। तो मैंने कमर तो टाइट कर लो, पुराने जमाने में किसी को भी कमर दर्द नहीं, कमर टाइट करने से काम नहीं होता ना। नहीं, शुरू में तो दिक्कत होगी, बाद में उसी कमर टाइट होने से, एक तो कमर मजबूत, पर सपोर्ट मिल जाता है, घुटना एकदम से ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर वो थेरेपी थेरेपी कराने की भी जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में अपना कैल्शियम ये सब चीज़ खाते रहो, चेकअप नहीं भी कराते तो कैल्शियम विटामिन ये सब चीज़ खाते रहो तो ठीक रहोगे। और जो ये हमारे यंगस्टर में हार्ट अटैक भी बहुत जल्दी हो रहा है आजकल भाई, देखो जो ये मतलब यंगस्टर को अटैक बहुत जल्दी आ रहा है आजकल, आज की जनरेशन में। हाँ, तो सोच लो खा रहे मोमो चाउमीन, उसमें तो न्यूट्रिशन है नहीं, है ना। और जो जो नूडल्स होते हैं, नूडल्स को अगर पानी में डाल दो, तीन दिन पानी में डाल, वो घुलेगा ही नहीं। तो जब वो घुलता नहीं है तो क्या होता है, वो हमारी आंतों में चिपक जाती है। तो आंतों में चिपक जाती है तो यंगस्टर को सबसे ज्यादा हार्ट की और शुगर की प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, शुगर मैंने देखा, शुगर भी आजकल की यंगस्टर को बहुत ज्यादा होने लग गया है, क्योंकि न्यूट्रिशन है नहीं, वो सब चीज ले रहे हो। इसलिए हमारे बुढ़िया में ही दो तीन बच्चे हैं जिनको अर्ली एज में ही शुगर हो गया। हाँ, भले उनका न्यूट्रिशन बैलेंस करके वो सब चीज करें, शुगर तो अभी उनका ठीक है, पर अगर सिर्फ ध्यान नहीं देंगे फिर हो जाएगा, क्योंकि शुगर और हार्ट का हमारा ये जो डेली रूटीन है ना हमारे, उसको दिखाता हो कि हम हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। ये बीमारी नहीं होती है, ये हम ठीक कर सकते हैं खाने से, पर करता कौन है। इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए अपने सेहत। हाँ, तो थोड़ा सा हमारे रंगपा फेस्टिवल, रंगपा गैदरिंग होती है, उसमें थोड़ा सा हेल्थ का जागरूकता होनी चाहिए और उसको नॉलेज दे दो। हमारे यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नहीं है, एक से एक है, बड़े 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 डॉक्टर्स हैं, फेमस फेमस डॉक्टर हैं। नॉलेज जो तुमने मेंटेन करी बहुत अच्छा मेंटेन करी है, उसको ना और मेंटेन करना है। ओके, पहले से तुम बहुत बेटर हो। हाँ, पहले से तो मैं बहुत बेटर हूँ। तो दोस्तों, देख लिया ना आप लोगों ने कि हेल्थ को लेके थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। 2024 आ चुका है और कोविड का फिर एक और कह रहे हैं कि नया रूप आने वाला है, अब पता नहीं, पर अपने हेल्थ को तो आपने फिर भी मेंटेन करना ही है। क्या होता है कि पहले ये लोग बीमारी को इजाद करते हैं, ये कोरोना कुछ नहीं, ये सर्दी जुकाम ही है। सर्दी जुकाम है, सर्दी जुकाम को विकराल रूप में दे दिया इन्होंने। जो विकराल रूप में हो जाएगा तो उसका नाक भी बंद होगी, उसको खुशबू भी नहीं आएगी, उसको टेस्ट भी नहीं आएगा, कान से सुनाई नहीं देगा। ये तो जब जुकाम ज्यादा लेवल पे बढ़ता है ये सब चीज होता है, तो ये लोग ने कोरोना का नाम दे दिया है। कुछ नहीं, बस अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो, हेल्दी रहो, अच्छी चीज खाओ, बस सब ठीक हो जाओगे। हाँ, तो इसलिए बीमारियां 10 तरह की होने वाली, कभी आँख हो गई, कभी हाथ की, मतलब कोई भी हो, बस आपको अपने इम्यूनिटी पावर को ग्रो करना है इस साल, और अपने सेहत पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना और नजरअंदाज नहीं करना है कोई भी छोटी। आज का टाइम ऐसा है कि आप कोई भी छोटी चीजें भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि कब वो छोटी चीज बड़ा रूप ले ले आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस मेरा अपने सारे दोस्तों से, अपने सारे परिवार से और YouTube के पूरे परिवार से यही गुजारिश रहेगी इस साल कि अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और टाइम टू टाइम अपना चेकअप एंड ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहिए। एंड जो भी मेरे आंटी अंकल एंड जो मेरे सीनियर सिटीजन ये देख रहे हैं जिनके हाथ पैरों में दर्द होता है, तो अगर उन्हें बहुत सारे इलाज करने के बाद भी कहीं कोई
इलाज नहीं मिला है, तो आप यहाँ आ सकते हो, थेरेपी ले सकते हो। बट द थिंग इज कि एक बारी में नहीं होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि एक थेरेपी ले और हम ठीक हो जाए, तो वो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। जैसे बीमारी होने में टाइम लगता है कि एकदम से कोई बीमारी नहीं होती, वैसे ही क्योर भी एकदम से नहीं होता है। द थिंग इज कि हर बीमारी का सॉल्यूशन में आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो आप उस जर्नी को आप अच्छे से कवर कीजिए एंड थोड़ा पेशेंस रख के अपना इलाज कीजिए। और ये नहीं कि दो बार लिया और आप बोलो हमें कोई असर नहीं कर रहा, हमें कोई असर नहीं कर रहा, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो बस यही मेरी गुजारिश रहेगी इस साल आप लोगों से। एंड बस अब हम दीदी को बाय करते हैं, चलते हैं हम। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। एंड मैं यहाँ पे आती रहती हूँ साल, इस बार थोड़ा लेट हो गया मुझे, वरना 6-6 मंथ में मेरी कोशिश रहती है कि जैसे कि अपनी बॉडी को बॉडी सर्विसिंग मांगती है, तो हर 6-6 मंथ में सर्विसिंग कराना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। द थिंग इज कि मोबाइल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है आज के टाइम पे, एंड मोबाइल देख देख के पूरा ये जो रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है, तो उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमें। ठीक है चलो चलते हैं हम। पोलियो ड्रॉप, तुलसी का पोलियो ड्रॉप, एक ही दो बूंद में कितनी पावरफुल है। हाँ। ये है तुलसी का इम्यून ड्रॉप, दिखाओ तुलसी। सब तो तुलसी है सच्ची में, भी तो पूरा टेस्ट आ गया मुंह में, तुलसी की टॉफी जैसा। तुलसी ड्रॉप जिसे आप डेली अपने लाइफ डेली लाइफ में पानी चाय के संग पी सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी है, एंटीऑक्सीडेंट, ये कोरोना के टाइम पे सबसे ज्यादा बिका था। एंटीवायरल, इम्यूनिटी बूस्टर, एंटीऑक्सीडेंट है। तांबे के लोटा, बर्तन, कटोरी कुछ भी हो, उसमें डाल देना दही। दही जब वो हरी हो जाएगी, फिर उसको मिक्स करके बाल में लगा लीजिए। अच्छा। आधा पौन घंटा रखना, फिर उसको दो। ये हेयर ग्रोथ के लिए है? हाँ, हेयर ग्रोथ के लिए भी है, और वो जो फंगस हो जाता है हेयर में, उसके लिए भी है, और हेयर टूटेगा भी। अच्छा, मेरे तो डैमेज होते थोड़ा। तो वो तुम भी लगाना ना। अब बाकी वो जो ऑयल है ना, ऑयल रात को लगाओ, सुबह दो दो। और शैम्पू है वहाँ पे, कंचनी बताएगी शैम्पू। अच्छा। वो शैम्पू भी अच्छी है, चलिए हर्बल शैम्पू है। अब हम आयुर्वेदिक सेंटर चलते हैं। तो अभी तक है ना, हाँ अभी तक तुलसी का स्वाद आ रहा गले में, तो अब कड़वा कुछ नहीं है। तो ये जो अभी दीदी ने बताया वो था हेयर फॉल का राज, जो तांबे के उसमें आपने लोहा दही वाला फॉर्मूला है वो आप हेयर फॉल के लिए यूज कर सकते हैं। और अब हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलने चलते हैं, यहीं पे उनका क्लिनिक है, उससे भी आप लोग को मिलाती हूँ और दिखाती हूँ उसका न्यू अभी खुला है थेरेपी सेंटर। ठीक है चलिए, बाय बाय दीदी। बाय बाय दीदी, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। एंड अब हम लोग लेते हैं यहाँ से विदा। तो चलिए दोस्तों, तो हम निकल गए हैं वहाँ से, और अब हम आपको एक आयुर्वेदिक सेंटर दिखाते हैं यहीं पे दीदी के बगल में, और दीदी के साथ जिसका नाम लिखा था वो, उससे मिलाती हूँ आपको उन डॉक्टर से, एंड उसका आयुर्वेदिक सेंटर दिखाती हूँ। एंड बॉडी सच में बहुत रिलैक्स हो गई, वो 2 घंटे इतना सुकून मिला ना वहाँ जाके, ऐसा लगता इतनी अच्छी पीसफुल टाइप की नींद भी आ रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है दीदी के सेंटर के अंदर, कि वो बीमार इंसान को ना वो वाइब्स अपने आप वैसे ही ठीक कर देगी वहाँ पर बैठ के। एंड हाँ, बाकी तो एक्सरसाइज तो खैर फ़ायदेमंद रहती है, बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह पूरा। एंड आप कुछ बोलना चाहोगे, कैसा लगा आपको बॉडी बॉडी का स्ट्रेचिंग? अच्छा लगा है, अच्छा लगा। कैसा महसूस हो रहा है बॉडी अभी, हल्की महसूस हो रही है? काफ़ी आरामदायक। या स्पेशली जो ड्राइविंग करते हैं, बाइक चलाते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ये रीढ़ की हड्डी बार बार एक ही पोजिशन में काम कर करके हल्की सी बैंड हो जाती है, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब यहीं पर कंचन का घर के पास ही शायद, चले देखते हैं हम लोग, जाते हैं अब डॉक्टर कंचन के आयुर्वेदिक सेंटर में। चलिए, ये है पुलिस चौकी, ये रहा आपका राम झूला, थाना लक्ष्मण झूला, पुलिस चौकी। ये तो आ रहा है, ये है आयुर्वेदिक सेंटर डॉक्टर कंचन तड़ियाल। अब हम इनसे मिलते हैं, चलते हैं अंदर। हाय हाय, जूता निकालो रुको। हाँ हाय, कैसे हो दोस्तों? ये है डॉक्टर कंचन तड़ियाल, आयुर्वेदिक डॉक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो इतना बड़ा क्लिनिक खोलने के लिए। और कैसे चल रही है? बढ़िया।
दीदी के यहीं से आए। अच्छा, तो हमने कहा चलो कंचन का नया वो भी देख लेते। मैं ना एक समस्या लेके आई हूँ आपके पास। समस्या ये है कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रही है एंड दीदी ने कुछ सजेस्ट किया था कि तेल के लिए, तो मुझे उस तेल के बारे में बताना जरा, तब मैं अप्लाई करूंगी और फिर मैं रिव्यू दूंगी कि कितनी जल्दी असर किया उसने मेरे बालों, क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। सभी का ही हो रहा है, आम प्रॉब्लम है आजकल, मतलब यंगस्टर हो या ओल्ड एज हो या कोई भी हो, सब जनरेशन में हेयर फॉल हो रहा है। तो मुझे उसके लिए खान पान भी वैसे हो गया, प्लस ऑयलिंग भी नहीं है अब तो बालों में। हाँ, इसलिए मैं वो तेल लेने आई थी। और जरा दिखाना, तो प्रोडक्ट है खुद बनाए हैं। तो ये तेल आपने खुद बना रखे सारे? ये है हर्बल हेयर ऑयल। किस चीज से बनाया है ये? इसमें बेस इसका है सिसमी ऑयल का है। हाँ। और मस्टर्ड ऑयल का है। Okay. भिंगराज है, आंवला है, त्रिफला है। एंड कैसे यूज करना है इसको? इसको रात को अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाना है, मसाज करनी है थोड़ी देर। हाँ। फिर अगले दिन सुबह वॉश करना। ओके, और क्या बोला था? शैम्पू भी चाहिए? शैम्पू ये है केराटिन प्रोटीन है वो। तो इतना मतलब शैम्पू क्या कर, क्या बोलते हैं, असरदार होगा? हाँ, अच्छा कि तेल असरदार करेगा ज्यादा? सबकी अपनी अपनी वो है प्रॉपर्टीज। इसके साथ नहीं, वो तो वॉश तो किसी से भी हो जाएगा ना। वो तो यूज करना चाहो तो सप्लीमेंट भी कर सकते हो, बायोटिन वगैरह जो प्रोटीन होता है वालों के खाने के लिए। ये एक्सटर्नली यूज तो करेगा, एक्सटर्नली काम ये ना। एक और दे देना फिर, ज्यादा वो तो नहीं होगा क्या? इसको धोने के लगाने के बाद मुझे शैम्पू 3 बार करना पड़े? नहीं, कहीं तुमने खूब बना रखा हो तेल, क्या बोलते उसको, वो डाल के देखो, यूज करके देखो ना। हेलो, मतलब कि तब मैं उस हिसाब से लगाऊंगी ना उसको, जब 2 दिन की छुट्टी होगी। हाँ, खुशबू तो भयंकर आ रही भाई। खुद बनाते हैं सारा तेल? है, प्याज है? हाँ। अच्छा, एक और। चलो दोस्तों, यहाँ से भी हमने बहुत सारे आइडियाज और अच्छे अच्छे हेल्थ एंड होममेड चीज़ें ले ली है, होममेड आयुर्वेदिक चीज़ें ले ली है एंड अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एंड थैंक यू सो मच, आशा करते हैं आपका ये बहुत तरक्की करे एंड फिर फ्यूचर में कभी हम फिर आएंगे, अगले आते रहते वैसे 6-6 महीने में। एंड फिलहाल हम लोग कहीं और चलते हैं, अभी अंदर किसी का ट्रीटमेंट चढ़ा है इसलिए मैं अंदर नहीं दिखा सकती हूँ, बाहर से आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। आयुर्वेदिक सेंटर है, कोई इस रूट पे जा रहा हो तो कुछ पंचकर्मा से रिलेटेड है ना, आयुर्वेदिक में ही होता है ना, कोई भी ट्रीटमेंट लेना हो, ट्रीटमेंट करना हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड पंचकर्मा वगैरह सब इसी में आते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये है हमारी डॉक्टर। अभी कितना टाइम हुआ है पढ़े हुए? हो गया 1 साल होने वाला। हाँ, तो 1 साल हुआ है अभी इस क्लिनिक को। एंड चलो, बाय बाय, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों दीदी के बाद हमें यहाँ पे मिले हैं मामा जी टी स्टॉल वाले, और जैसे दीदी सबकी दीदी है वैसे ये मामा जी है सबके मामा जी। हेलो मामा जी, आप कभी ऋषिकेश से जा रहे हो तो यहाँ पे आके जरूर चाय का आनंद लीजिएगा, और इतनी ठंड में हम लोग यहाँ पे अभी चाय का मजे ले रहे हैं। हाँ, दूध ज़्यादा, 2 पैकेट उन्हें काम हो जाएगा। ये है मामा जी टी स्टॉल। दोस्तों फाइनली चाय खत्म हो गई और बहुत ही अच्छी चाय हो रही थी, बहुत ही अच्छी चाय है मामा आपकी। और टाइम हम भैया बोलते हैं, आज मतलब रिश्ता लगाने में अच्छा लग रहा है। बहुत ही कड़क चाय है और इस ठंड को दूर करने में बहुत ही मददगार भी। तो चलिए, चाय पी के थोड़ा एनर्जी आ गई है एंड अब हम जा रहे हैं माँ काली के दर्शन करने, जो माँ काली ऋषिकेश वाली, ऋषिकेश घाट वाली। ठीक है, चलिए आप लोग को भी उनके दर्शन कराऊंगी आज। तो अब हम जा रहे हैं, ये है मरीन ड्राइव ऋषिकेश की। तो दोस्तों ये है मरीन ड्राइव, ये पूरी मरीन ड्राइव है। इस मरीन ड्राइव में आप चलते रहोगे तो यहाँ पे है ये माँ काली का मंदिर, ये रहा सिद्ध महाकाली मंदिर, महाकाली मंदिर। अरे हम चलते हैं मंदिर दर्शन करने। तो दोस्तों ये है माँ काली का मंदिर जो कि मरीन ड्राइव वाले रास्ते में है, और इधर साइड से पूरा गंगा घाट है। एंड अब हम चलते चलते हैं आपको माता के दर्शन कराने। और इतनी ठंड में भी लोग यहाँ रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। और वो जो सामने है ना,
वो है रिवर राफ्टिंग का पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, माता काली के भी दर्शन कर लिए हैं। जय माँ काली घाट ऋषिकेश वाली। और ये है मरीन ड्राइव ऋषिकेश का। और आज बहुत ही ठंडा है मौसम और मज़ा भी आ रहा है लेकिन ऐसे में घूमने में, क्योंकि आज भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। अब हम जा रहे हैं गंगा किनारे गंगा मैया के दर्शन करने, फिर उसके बाद चलेंगे घर। सुकून मिल गया, मतलब ऐसा लगा कि अब मैंने पूरे साल के लिए ना ऋषिकेश से खूब सारी आज एनर्जी ले ली है, पॉजिटिव एंड एनर्जी घोट घोट के मैंने आज पी ली है। एंड अब मैं रहूँगी एक्टिव कल से, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिव। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है। एंड इस मरीन ड्राइव के एंड पे हम पहुँच चुके हैं रामपुर। अरे दोनों चीज़ है भाई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है बोट, देखा वो बोट आपको? हाँ हाँ हाँ। ये आता है वहाँ से, उस तरफ से, हाँ उधर साइड से। वो उसकी पार्किंग है फिर उधर, वहाँ पे कार लगा के आ सकते हो उधर साइड। हाँ। पुल से भी आ सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है भी उल्टा ही तो। हाँ। और ये है जहाँ से हम आए, चलने आज ये था राम झूला। एंड अब हम जाते हैं कुछ खाने, क्योंकि हमें लग गई है भूख एंड मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है हम अलग ही जगह पर घूम रहे होंगे कोई। हम जा रहे हैं एंड अभी हम खा रहे हैं गीता भवन में। ये गीता भवन शुद्ध शाकाहारी खाना। दोस्तों अब हम सैर सपाटा करके आ गए हैं गंगा मैया के दर्शन करने एंड फूल वाला को ढूंढते हैं, कोई फूल वाला मिलेगा कि नहीं भाई। छोटू दिया ये तो, कैसे दिए? 10 रुपए का एक दे दे तो, है 10 रुपए। गंगा पूजा भी कर लिए एंड अब हम जाते हैं घर की ओर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं राम झूला घूम के। तो अगर आप लोग दीदी के आना चाहते हो, राम झूले के रास्ते आ रहे हो, तो आप मरीन ड्राइव के थ्रू पैदल पैदल होते हुए सीधे दीदी के दुकान के वहाँ पे निकलेगा, ये निकलती है ये रोड मंदिर से होते हुए, तो आप इस रास्ते पे आ सकते हो। आपको दिखाती हूँ मरीन ड्राइव वाली रोड कहाँ पे एंड होती है, ठीक है। और ठीक वहीं पे दीदी का क्लिनिक है, मतलब वहाँ पे किसी को पूछोगे तो वो बता देगा कि दीदी का क्लिनिक कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है मरीन ड्राइव। तो बस आपने उसी रोड पर चलते रहना है एंड यहाँ पे एक ऐसे ग्राउंड आएगा, फ्रीज फील्ड टाइप का ये, एंड एक यहाँ पे फील्ड आएगा एंड फिर आपने टर्न करके कहीं नहीं जाना, बस जो ये वाली रोड, ये वाली जो पत्थर वाली रोड है इसी को फॉलो करना है एंड सीधे निकल कंचन के वहाँ पे चले। तो चलिए बस हम अपने चैनल को, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी हम घर जा रहे हैं और घर जाते अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।